नमस्कार, मेरा नाम है आयुष तिवारी और स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी के संवाद कार्यक्रम में। संवाद में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अयोध्या फैजाबाद के बेहद चर्चित चेहरे से, पवन पांडे उर्फ तेज नारायण पांडे। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जिनसे आज हम संवाद में बहुत सारा संवाद करेंगे। उनके छात्र राजनीति से लेके और मंत्री बनने तक का सफर की बातें उनसे करेंगे। और सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पे। सर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पवन पांडे जी, आज चूंकि हम अयोध्या के दौरे पे आए हुए थे, अयोध्या पे बहुत सारे लोगों से बातें करनी थी हमको, बहुत कुछ करना था, तो संवाद इन दिनों हमारा एक दिनचर्या में कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के जितने भी माननीय हैं उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो आज इस कड़ी में आपसे भी हम संवाद करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमने आपके विषय में सवाल मांगे, तो बहुत सारे सवाल आए हैं, तो हमने उनको एक नोट आउट किया हुआ है, तो सारे सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। बिल्कुल। पहला सवाल सर मेरे पास आया हुआ है, पवन पांडे उर्फ तेज नारायण पांडे अखिलेश यादव के नौ रत्नों में से एक रत्न गिने जाने वाले और ब्राह्मण चेहरों में एक बड़ा फेस, फैजाबाद अयोध्या से 5 बार विधायक रहे, लल्लू सिंह को 5 बार हराकर आप विधायक बने, उसके बाद सरकार में मंत्री बने, कैसा रहा ये राजनीतिक सफर हमारे दर्शकों को? अयोध्या फैजाबाद की महान जनता का आशीर्वाद था और हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद था। जनता जनार्दन ने सहयोग दिया, प्यार आशीर्वाद ओढ़ दिया, नेताजी ने टिकट दिया, अखिलेश जी ने आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत 2012 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचने का अवसर मिला। और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही नहीं पूरे अयोध्या के लिए बहुत ही सुखद क्षण था, क्योंकि जो काम आज़ादी के 65 सालों में इस अयोध्या विधानसभा में नहीं हुआ था, उन ढेर सारे विकास के कार्यों को करने का अवसर मुझे इस अयोध्या फैजाबाद की धरती पर मिला। और मैं इस बात को पूरी मजबूती से कहूँगा, और यह अतिशयोक्ति भी नहीं है, कि जो काम उससे पहले के पूर्व विधायक ने या सांसद ने अयोध्या के विकास के लिए नहीं किया था, तरक्की के लिए, चाहे ओवरब्रिज रहा हो, चाहे सड़कें रही हों, चाहे मेडिकल कॉलेज रहा हो, चाहे अयोध्या में सड़कों का मामला रहा हो, अयोध्या में भजन स्थल का मामला रहा हो, अयोध्या में सीवर लाइन, अयोध्या में अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग, ढेर सारे काम जो आज़ादी के इतने वर्षों में नहीं हुए थे, फैजाबाद सबसे पुराना मंडल मुख्यालय और यहाँ पर नहीं हुआ था, तो आदरणीय अखिलेश जी के आशीर्वाद से ये ढेर सारे काम अयोध्या में हुए और अयोध्या तरक्की और विकास के पथ पर आगे बढ़ा, तो निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव है। और अखिलेश जी ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से अयोध्या के विकास में इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। इसको एक प्रकार से हम ये मान सकते हैं, अपने दर्शकों को बता सकते हैं, कि शायद 92 के बाद जो समाजवादी पार्टी की एक छवि बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर फैजाबाद की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और विपक्षियों को एक करारा जवाब दिया कि वो जैसा कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को धर्म के नाम पर और जात के राजनीति के नाम पर जोड़ना चाहती है। अगर आज हम सवाल कर लें, अभी मैं सवाल कर लूँ यहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि योगी आदित्यनाथ जी आप बता दीजिए 3.5 साल बीत गया, आपने कितने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी, आपने कितने फैक्ट्रियों की आधारशिला रखी, आपने कितना रोजगार दिया, कितने नए विद्यालय खोले, कितने नए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया, तो हर मामले में शून्य हैं ये। आप जब इनसे किसी विकास की बात करेंगे, किसी तरक्की की बात करेंगे, किसी एक्सप्रेस वे की बात करेंगे, किसी सड़क की बात करेंगे, ओवरब्रिज की बात करेंगे, तो आपसे भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे। जब आप इनसे तरक्की और उन्नति की बात करेंगे तो ये हिंदू और मुसलमान पे आ जाएंगे। जब आप इनसे बात करेंगे लोगों की तरक्की और खुशहाली की तो ये कब्रिस्तान और शमशान पे आ जाएंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मामले में शून्य है और आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित उस पूरे हिंदुस्तान को बेबस, लाचार और भुखमरी का हिंदुस्तान बनाने का श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। ये पवन पांडे का खुला चैलेंज है मुख्यमंत्री को कि आज अयोध्या फैजाबाद में कोई विकास का जो है एजेंडा नहीं है। भाई बताएं ना, मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि राम की पैड़ी पे जो काम हुआ उसमें जनता चिल्ला रही है, करोड़ों घोटाला हो गया। राम की पैड़ी जो पहले पैड़ी थी आपने उसको नहरिया बना दिया, आधे घुटने से भी कम का, आज वो पूरी तरह से नहरिया हो गई है। बाकी अयोध्या बताइए आप कौन सा काम, मुझे तो कहते हुए हंसी आती है। शर्म आनी चाहिए आपके विधायक और सांसद को, जो आप पंपलेट छपा के अपने कार्यों की उपलब्धि गिना रहे हैं। मैं चुनौती दे के कह रहा हूँ, अगर इनके सांसद और विधायक इस बात को साबित कर दें कि अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम किसके द्वारा शुरू हुआ, किसके सरकार में टेंडर हुआ है,
श्री अखिलेश यादव के समय में हुआ, शुरुआत हुआ, 52 करोड़ रुपया श्री अखिलेश यादव जी ने उसके लिए जारी किया था और ये अपने छपाते हैं कार्यों में। सीवर लाइन का काम 2014-15 में शुरू हुआ 38 करोड़ रुपए की लागत से, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, ये लिखते हैं अपने 18 और 20 के कार्यकाल में। कौन सा काम इन्होंने किया अयोध्या में बता दे, कौन सा विकास का काम अयोध्या में किया है? एक काम इनका नहीं है, आज व्यापारी रो रहा है, अयोध्या का कारोबार बिल्कुल प्रभावित है पूरी तरह से। अयोध्या को तो अगर मैं कहूँ कि अयोध्या के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को किसी ने खत्म किया है तो उसका श्रेय केवल भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। तो ये जो है पवन पांडे जी के आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिसमें ये कह रहे हैं कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का नाम लेकर, जो शायद देश और दुनिया में अपने नाम से ही चर्चित है और हमेशा चर्चित रही है, उसको लेकर इन्होंने कोई विकास नहीं किया। जबकि मुख्यमंत्री जी हमेशा से ये कहते रहते हैं कि हमने सपा के दुर्दांत कार्यकाल से जो है अयोध्या को मुक्त किया हुआ, ये उनका कहना। अच्छा पांडे जी, थोड़ा सा आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। नहीं नहीं, इसका उत्तर ली, क्या दुर्गा योगी आदित्यनाथ जी क्या दुर्दांत से मुक्त किया? 3.5 सालों में पूछ तो रहा हूँ, 3.5 सालों में क्या दिया अयोध्या को? 3.5 सालों में 2 दर्जन बार अयोध्या आ चुके योगी आदित्यनाथ जी, क्या दिया? कि वो संतों महंतों के यहाँ आते हैं, भंडारा प्रसाद खा के चले जाते हैं, हर बार ऐलान करते हैं कई सौ करोड़ अखबार और मीडिया दिखाता है, योगी जी आए कई सौ करोड़ हम आप ही को चुनौती दे रहे हैं, आप बैठे हैं, आप जाइए कई सौ करोड़ 10 बार जोड़ लीजिए जितनी बार योगी जी आए हैं और जोड़ के बता दीजिए कितना काम अयोध्या में हुआ है, हम भी देखना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से चुनौती दे रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं कि आप ना कैमरा माइक लेके पूरा अयोध्या टहलिए और जो कई सौ करोड़ उन्होंने बताया 10-15 बार में, 1 दर्जन ज्यादा बार में, वो काम हमको लाकर दिखाइए। अगर आप काम दिखा देंगे अपनी बात हम वापस ले लेंगे, वरना हम कहेंगे कि अयोध्या को इन्होंने कुछ नहीं दिया, केवल ठगा है, राम के नाम पे वोट मांगा है, राम के नाम पे राजनीति की है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, हम उनकी आराधना करते हैं, उनका कारोबार नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे इवेंट करती है, उनको कारोबार समझती है, अपने वोट का माध्यम समझती है। सर थोड़ा सा राजनीतिक पृष्ठभूमि में लौटते हैं, यहाँ लोकतंत्र की ये सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें विपक्ष की भी मुखर आवाज़ है और सबकी, और हालांकि जो है समय समय पर ये बातें होती रहनी चाहिए जिसमें पता चले कि हम लोकतंत्र में जीवित हैं। थोड़ा सा राजनीतिक पृष्ठभूमि में आपके आते हैं, एक सवाल हमारे पास आया था कि शिवपाल सिंह यादव तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आपका टिकट काट दिया, आपको पार्टी से बर्खास्त कर दिया, फिर भी उस समय मैं देख रहा था, मैं कई सारे मैंने इंटरव्यूज़ किए कवरेज की, लेकिन आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, आप उसी तरह पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे शायद जिस भाव में पहले कर रहे थे, तो उस बारे में अगर दस कुछ नहीं, वो हमारे चाचा थे, चाचा हैं, चाचा रहेंगे, हमारे लिए वो कल भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं, हम उनको पहले भी प्रणाम करते थे, आज भी प्रणाम करते हैं। सर एक और आपके ऊपर आरोप लगा तत्कालीन जब परिवार का मसला चल रहा था कि आसू मलिक जी का एक मामला संज्ञान में आया कि शायद, तो जब आप एकदम ठीक ठाक था, सब कुछ था, तो आप बीच में कहां से आ गए? कहीं कुछ नहीं था, केवल आसू मलिक का एक प्रोपोगंडा था, बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा ये बातें थी सर। अब मैं आपकी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में आप छात्र संघ पदाधिकारी भी रहे हैं, और उस समय छात्र राजनीति में आपका क्या कुछ रहा, जरा उन दिनों को अगर ताज़ा करें वर्तमान परिस्थितियों में, तो आप छात्र संघ का चुनाव मात्र सपने रह गए, युवा संघर्ष करता है लड़ता है, लेकिन लखनऊ जो सूबे की राजधानी है वहीं विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो रहे, इसको लेकर पवन पांडे ने अपनी सरकार में क्या प्रयास किया और वर्तमान सरकार से क्या कहना चाहें? मेरी जिंदगी का सबसे स्वर्णिम काल था लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के वर्ष, और मुझे लगता है अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी जिंदगी में सबसे सुनहरा समय कब था, तो मैं कहूँगा मेरे लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़ाई के समय और छात्र राजनीति का जो समय था वो मेरे लिए सबसे स्वर्णिम समय था, क्योंकि मुझे जो प्रदेश से और बाहर पहचान मिली वो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के रूप में मिली, और उसमें भी सबसे बड़ा एहसान आदरणीय मुलायम सिंह जी का, आदरणीय अखिलेश जी का, कि उन्होंने मुझे छात्र संघ का टिकट दिया, मैं चुनाव जीता, जिस तरह से उन्होंने मुझे आदर सम्मान देकर और एक युवा नेता के रूप में आगे उभरने का, आगे बढ़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का। जहाँ तक मुझे अब जानकारी मिलती है, अब तो लखनऊ विश्वविद्यालय मुझे लगता है कॉन्वेंट स्कूल के रूप में हो गया है। छात्र संघ विश्वविद्यालय के लिए बहुत जरूरी है, जब छात्र संघ रहता है तो ये प्रोफेसर, लेक्चरर, कुलपति और कर्मचारी अपनी मनमानी नहीं थोप पाते। आज क्या है, चपरासी भी डांट देता है छात्रावास के बच्चों को, जो लेक्चरर प्रोफेसर चाहते हैं अपनी मनमानी करते हैं, कुलपति अपनी लूट करते हैं, लेकिन जब छात्र संघ रहता है तो इनके सारे काले कामों पर वो नकेल कसता है,
और मुझे लगता है कि जब हम आंदोलन करते थे वीसी के खिलाफ, प्राक्टर के खिलाफ, डीन के खिलाफ, तो छात्रों नौजवानों की आवाज़ बुलंद होती थी। एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के के अंदर कैसे वो राजनीति में आगे बढ़ेगा उसे जानने और सीखने का अवसर मिलता था। संघर्षों से उसे राजनीति की कोख से निकलने कर विधानसभा तक पहुंचने की जानकारी और जज्बा पैदा होता था। लेकिन अब छात्र संघ चुनाव बंद हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, क्योंकि इनका छात्र संघ और लोकतंत्र से कोई मतलब बहुत दूर तक नहीं रहता। क्योंकि आप देखिए, पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा छात्र संघ पदाधिकारी आपको समाजवादी पार्टी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही के रूप में दिखाई पड़ेंगे। सपा सरकार में भी कोई छात्र संघ चुनाव नहीं? ऐसा नहीं है, हम बहुत जगह हुए। इलाहाबाद सूबे की राजधानी? नहीं नहीं, सुनिए, उसमें मामला क्या था कि वो मामला हाईकोर्ट में चला गया। अब जो मामला हाईकोर्ट में चला गया तो उसमें फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती। जब मामला हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट का निर्णय आएगा तभी चुनाव होगा। मैं स्वयं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 3-4 चुनाव में गया इसी में। हमारे साकेत महाविद्यालय में लगातार 5 साल इसी अयोध्या में चुनाव हुए। ऐसा नहीं है, बहुत से बनारस में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, मिर्जापुर में हुआ, बलिया में हुआ, बहुत जगह, मुझे बाराबंकी कई जगह हुआ छात्र संघ चुनाव हुए। लेकिन कहीं पर अब कोर्ट का कोई डिस्प्यूट होगा तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना कहूँगा कि इस देश में बहुत से ऐसे नेता हैं जो छात्र संघों की कोख से निकले हैं और छात्र संघों की कोख से निकल कर उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बनकर इस प्रदेश और देश को चलाया है। तो निश्चित रूप से छात्र संघ होने चाहिए। छात्र संघों के माध्यम से ही विद्यालय के काले कानूनों पर रोक लगती है। और छात्र संघ केवल विश्वविद्यालय या परिसर तक सीमित नहीं होते। छात्र संघ एक ऐसा स्थान है जहां से प्रदेश और देश के हर काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठती है। जिस तरह से नौजवानों ने देश की आज़ादी में भाग लिया, प्राणों की आहुति, उसी तरह छात्र संघ आज प्रदेश में भी कहीं कोई अराजकता हो, कहीं कोई काला कानून आए, सरकार कोई मनमानी करे तो उसके खिलाफ आवाज़ को मुखर करती है। मैं छात्र संघ का पक्षधर हूँ, था और रहूँगा। हम अपने दर्शकों को यकीन दिला दें कि समाजवादी पार्टी छात्र संघ को लेकर हमेशा से मुखर रही है और आगे चल के भी वो लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों में, सूबे की राजधानी में छात्र संघ को लेकर जो है प्रयासरत रहे। बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा पवन पांडे जी, आप प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी हावी रहते हैं, मैंने देखा कि आप अपने पेज पे अक्सर लाइव। इस समय प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याओं का एक लगातार सिलसिला जारी हो चुका है। आप जहां भी देखो तो उत्तर प्रदेश की परिभाषा आज हत्या के प्रदेश के नाम पे जानी जा रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़ गए हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ गए। तो इस पर पवन पांडे क्या कहना चाहेंगे? झूठ बोलने का क्रम देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जारी है। न कहीं अपराधी भाग के गए हैं, बल्कि अपराधियों को पूरा संरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार का मिल रहा है। हत्या, डकैती, लूट, अपहरण की खुली छूट है। पूरा उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश और अराजकता के रूप में फैल चुका है। कहीं कोई मारा जाए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस पूरी तरह से केवल पैसा वसूलने में व्यस्त है। अब तो यहाँ तक होने लगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फिरौती छुड़ा रही है, बल्कि फिरौती छुड़ाने में पार्टनरशिप कर रही है। अभी जो कानपुर की घटना हुई है स्वर्गीय संजीत यादव के परिवार की, आप बताइए सीओ और एसओ परिवार से 30 लाख रुपए की व्यवस्था कराए और बताइए उनकी नाक के नीचे से पैसा लेकर 30 लाख अपहरणकर्ता चले गए। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ कि पुलिस और अपराधियों की मिली भगत है। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। पुलिस पूरी खुल्लम खुल्ला अपराधियों के साथ मिलकर लूट मचाए हुए है। हत्या, डकैती, लूट की बाढ़ है। और बाकी ब्राह्मण समाज तो लगातार मारा जा रहा है, ठगा महसूस कर रहा है। ब्राह्मण समाज को भी चाहिए कि वो चेत जाए और चेत करके 2022 में सरकार को उखाड़ फेंके। सर, इन दिनों जो है, अभी बीते दिनों कानपुर का एक मसला सुनने में आया, विकास दुबे का। पुलिस, हालांकि उसने सरेंडर किया मध्य प्रदेश में, यूपी पुलिस उसको लाके जो है एनकाउंटर कर देती है और उसमें एक नाबालिग की भी हत्या की गई, मतलब हत्या ही कहेंगे उसको, एनकाउंटर में मार दिया गया। 16 साल का बच्चा था उसके ऊपर, उसकी 2 डेट तक के पहले तक कोई 16 में मुकदमा नहीं था, फिर भी उसको जो है पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। तो एक जो फर्जी एनकाउंटर का ये दौर चला, चाहे वो लखनऊ के विवेक तिवारी हो या झांसी के पुष्पेंद्र यादव हो, तो एनकाउंटर के ऊपर पवन पांडे का जो है मौजूदा सरकार पर क्या कहें? ये केवल अपनी खींच मिटा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। चाहे जितेंद्र यादव के साथ हुआ, चाहे पुष्पेंद्र यादव के साथ हुआ, चाहे आजमगढ़ में राजभर के साथ हुआ, चाहे विवेक तिवारी के साथ हुआ, चाहे कानपुर में प्रभात मिश्रा के साथ हुआ, और चाहे खुशी दुबे, नई बहू, 3 दिन की बहू जो 4थे दिन विधवा हो गई, 5वें दिन जेल में चली गई, केवल ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी खीज मिटा रहे हैं और कुछ नहीं है।
आने वाले समय में सारी जाति बिरादरी मजहब के लोग, चुनाव जब आएगा तो अपने मत के अधिकार के हिसाब से इसका बदला लेने का पूरा काम करेंगे। केवल इन्होंने जनता पर अपनी खींच मिटाई है, जो अपराधी हैं उनको ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, अपराधी खुरी तरह से हत्या डकैती लूट कर रहे हैं। इनकी पुलिस बताइए विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम रही कि नहीं रही? उसने तो महाकाल में जाकर सिलेंडर किया। अगर इनकी पुलिस की सर्विसिंग सही थी तो पकड़ना चाहिए था, क्यों नहीं पकड़ पाए? तो इस तरह से देखिए, मैं किसी अपराधी के साथ नहीं हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस पूरी तरह से नकारा है, और जो लूट हत्या अपराध है, जो पुलिस अपराधियों से सांठ गांठ करके लूट कर रही है, कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसमें सत्ता का संरक्षण है। सर, हम राजधानी से लखनऊ से जो है फैजाबाद तक आए, और खाली यही कारण जानने के लिए कि विपक्षी का भी क्या कहना है। तो 2022 में सपा के लिए फैजाबाद विधानसभा से या मौजूदा अयोध्या विधानसभा से पवन पांडे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? पवन पांडे किन मुद्दों को लेकर, जो वर्तमान विधायक यहाँ भाजपा के हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी, किन मसलों को लेकर जो है अयोध्या की जनता के सामने जाएंगे कि वो जब थे तब क्या था और अभी वर्तमान में क्या परिस्थितियाँ हैं? देखिए, इन 3.5 सालों में अगर हम बात करें तो यहाँ के वर्तमान विधायक कुछ नहीं कर पाए हैं। केवल जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वहाँ से बोलते हैं वही यहाँ रट के बोलते हैं। विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। आप पूछ लो कौन सा ओवरब्रिज बनाया, कौन सी बड़ी सड़क बनाई, कौन सा विकास किया, कहीं कुछ नहीं। विधायक निधि की मैं जो कहीं सीसी सड़क वड़क बना दिया होगा, एक सामान्य प्रक्रिया, उसके अलावा कहीं कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा विकास ये अपने प्रयास से नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के नाम पर फेल हैं, पूरी पुलिस 24 घंटा लूट में व्यस्त है, मोटरसाइकिल के नाम पे, कोरोना के नाम पे, जांच के नाम पे पूरी पुलिस ने लूट मचा रखी है, जनता पूरा त्राहिमाम कर रही है। विकास के नाम पे अयोध्या में लोग उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो जनता खुद इनको हटाने का पूरा मन बना चुकी है, और जनपद अयोध्या फैजाबाद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कोविड के ऊपर सवाल उठाया है, लखनऊ में तो खैर मैं ऑन कैमरे पर कहता हूँ, एक पत्रकार होने के नाते कहता हूँ कि कोविड की स्थिति बहुत ही बुरी है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को बेड नहीं मिल रहे हैं, तो फैजाबाद में इसका क्या है और सूबे के मुख्यमंत्री को कोविड के दृष्टिकोण आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जैसे मैं विधायक था, मंत्री था, तो मेरी पूजा पाठ, भगवान की पूजा अर्चना, ये मेरा निजी विषय है कि मैं सुबह नहाऊंगा, भगवान की अर्चना करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, ये मेरा निजी विषय है। लेकिन अगर मैं विधायक हूं और सरकार में हूं तो मेरा नैतिक कर्तव्य है कि आम जनमानस को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरी सरकार केवल घंटा घड़ियाल और शंख में व्यस्त है, केवल जनता को धर्म के उन्माद में फंसाए हुए है, जनता भुखमरी बेबसी लाचारी में फंसी हुई है। आप बताइए, आज हमारे फैजाबाद में कई लोग मर गए, आज की डेट में एक आदमी मर गया, व्यापारी हैं फतेहगंज के मर गए, दीगर भाई कैबिनेट मंत्री की मौत हुई, कैबिनेट मंत्री मर गई, उनका कोई देखिए अभी इसकी दवा तो बहरहाल आ ही नहीं पाई है, लेकिन जो इनको करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दर्शन नगर में जहाँ कोविड के लोग रखे जा रहे हैं, संक्रमित लोग, वहाँ सूप मिलता है ठंडा, एकदम पीना गर्म चाहिए, ठंडा पन्नी में आता है, पॉलीथीन में लैया चूरा दिया जाता है, खाना एकदम ठंडा आता है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश में कोविड सेंटरों में किस तरह से लोगों ने वीडियो जारी किया है कि सुबह 2-2 बजे पानी नहीं मिलता पीने के लिए, लोग इसके संक्रमण से बाद में मरेंगे, पहले वो भूख के मारे मर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये स्थिति है। बनेली के कोविड सेंटर से एक रिपोर्ट आई कि वहाँ छत से झरना गिर रहा है। हाँ, तो दिखाया गया, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो बता तो दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल आज कायम है, बाबा जी को चाहिए अपना आराम से मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, उनसे संभल नहीं रहा है पूरा प्रदेश। पूरे प्रदेश में अलतक का माहौल है, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, सारे मोर्चों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल हैं, इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल लेके हम अपना कंक्लूजन करेंगे पूरा। 500 साल का विवाद अयोध्या में ख़त्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने की घोषणा की और सरकार को निर्देश दिया कि ट्रस्ट के अंतर्गत मंदिर की नींव रखी जाए। तो 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी जो है अयोध्या की भूमि पर आ रहे हैं और यहाँ पे भूमि पूजन होगा, तो उस पे पवन पांडे का क्या कहना है जो है अयोध्या की जनता से? देखिए, ऐसा है, हम सारे लोग देश के संविधान, कानून और न्याय को मानते हैं। इस हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, हम फैसले का स्वागत करते हैं, आदर करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे मंदिर बन रहा है, हम मंदिर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। आज अगर कोई और देश का प्रधानमंत्री होता तो वो भूमि पूजन करने आता। इसमें कोई नरेंद्र मोदी जी की भूमिका नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोई काम कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कोई कानून नहीं बनाया मंदिर बनाने का। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का एहसान नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, सर्वोच्च न्यायालय के उस पर बन रहा है, ट्रस्ट बना और ट्रस्ट के लोगों ने जिसको आमंत्रित किया वो कर रहे हैं। तो इस पर कोई टिप्पणी और कोई विवाद है ही नहीं है, क्योंकि हम देश के कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और जो न्यायालय ने फैसला दिया उसका हम आदर करते हैं। तो इसमें कोई विवाद, कोई टिप्पणी या कोई इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मंदिर अच्छा बने, भव्य बने, स्वागत है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को असुविधा ना होने पाए, रहने वाले लोगों की छतें ना उजड़ने पाए, इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। पवन पांडे जी का कहना यहाँ पे कि अयोध्या में खुशहाली रहे, तरक्की रहे और यहाँ के लोग खुश रहें, आपस में लड़ाई दंगा खत्म हो जाए, और यही इनका एक संदेश है अयोध्या फैजाबाद की जनता को। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री पवन पांडे जी हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जी आभार।